आपको मतलब मैं उसको भी डाल दूंगा, किसमें डाल दूंगा मैं, क्या कहते हैं उसको। तो भैया आप में से काफी सारे लोग ये सोचते होंगे यार कि यार मेरे तो बहुत ज्यादा घने बाल हैं और मेरे 50 से 60 बाल और 70 बाल डेली झड़ जा रहे हैं, तो क्या मेरे को हेयर फॉल हो रहा है। तो दोस्तों आज बात करूंगा इसी के बारे में, और बात करूंगा स्पेशली कि ये जो हमारे बाल हैं किस तरीके से बनते हैं और इसकी जो साइकिल है वो किस तरीके से चलती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं भाई लोगों का चल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारी जो हेयर साइकिल है वो किस हिसाब से काम करती है, हमारे जो बाल हैं किस हिसाब से बनते हैं, हमारे जो बाल हैं वो किस हिसाब से झड़ते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार मेरे तो सर पे बहुत ज़्यादा घने बाल हैं और फिर भी मेरे जो बाल हैं 50 से 60 झड़ रहे हैं डेली, तो क्या मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, या फिर वो लोग जो जिनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है, क्या वो फाइनल समझें कि उनके जो बाल झड़ गए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में, और बहुत ज़्यादा जो आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो के एंड होते होते। और उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं 9th मंथ की अपनी जो रिपोर्ट है वो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको एक वीडियो मैंने और अपलोड की है जिसमें मैंने बताया है कि मेरे 1st मंथ से लेके 8th मंथ की जो जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके की रही, और किस तरीके से आप उसको एक ही वीडियो में देख सकते हैं। आप क्लिक करें, आपको मतलब मैं उसको भी डाल दूंगा, किसमें डाल दूंगा मैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आपको इजीली आप जाके देख सकते हैं, आपको जो भी जानकारी है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो भी आप मेरा ट्रांसप्लांट अब तक रहा है उसका जो रिजल्ट रहा है आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि ये जो आपका हेयर की जो साइकिल है वो किस हिसाब से काम करती है। जो हेयर की हमारी साइकिल है, जो हेयर बनता है वो 3 फेजेज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एलोजन फेज, कैटेजन फेज और टेलोजन फेज। अभी जो एलोजन फेज है ये बाल बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया है, मतलब इसमें हमारे जो बाल हैं जो फ्रेश रूट्स हैं हमारी इसके अंदर ही उगती हैं, और ये हमारा तकरीबन 2 से 8 साल के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है, ये उस टाइम पीरियड में काम करती है। अब ये तो हो गई एलोजन फेज के बारे में। अब अगर बात करें कैटेजन फेज के बारे में कि कैटेजन फेज में क्या होता है, तो कैटेजन फेज में आपके जो फ्रेश बाल बन रहे होते हैं वो बनना रुक जाते हैं, इसकी प्रोसेस लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपनी ये सारी प्रोसेस कर लेता है, आपके जो फ्रेश बाल बने होते हैं उनको वो बनना रोक देता है। एंड में आता है आपका टेलोजन फेज। टेलोजन फेज में क्या होता है, आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं जो कि कमजोर हो चुके हैं उनको वो निकाल के फेंक देता है, और आपका जो ग्राफ्ट है उसमें से एक नया हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं और उनके जब दांत झड़ते हैं, तो उन दांत जब वो दांत झड़ते हैं तो उनके नीचे एक नया दांत आना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस हमारे बालों के साथ भी होती है, और ये जो साइकिल है इसको हम हेयर ग्रोथ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको एक और बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एलोजन जो फेस होता है वो हमारे जो नए हेयर्स हैं उसको बनाता है, इसकी जो प्रोसेस है वो 2 से 8 साल के बीच तक चलती है। उसके बाद आता है कैटेजन फेस। कैटेजन फेस में क्या होता है, आपके जो जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बीच में ये उसका टाइम पीरियड होता है। तो टेलोजन फेस में क्या होता है, जो हमारे रूट में जो हमारे बाल होते हैं उसको वो नीचे से नए बाल आना स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे पहले से बाल होते हैं उनको वो निकाल देते हैं, जो कि कमजोर हो चुके हैं तो उनको निकाल देते हैं, उसकी जगह नए रूट आना स्टार्ट होते हैं, तो इसको कहते हैं टेलोजन फेस। और इसी प्रकार और इसी तरीके से हमारी जो हेयर साइकिल है वो काम करती है, इसी तरीके से हमारी हेयर साइकिल चलती है। अच्छा, काफ़ी सारे जो लोग हैं उनमें ये मिथ है और उनमें ये मतलब प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कि वो सोचते हैं यार उनका जो हेयर फॉल है वो यार बहुत गंदे तरीके से हो रहा है, मतलब लाइक उनके जो बाल हैं 50-60 दिन में झड़ रहे हैं और उनके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि उनका जो हेयर फॉल है वो हो रहा है जिसकी वजह से वो शायद गंजे हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ही नेचुरल है। अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं और आपके बाल डेली 50 से 60 झड़ रहे हैं, तो डेफिनेट मैं कहूंगा कि वो जो आपके बाल हैं वो पैटर्न से गुजर रहे हैं, आपका जो साइकिल है जो हेयर साइकिल है उससे गुजर रहे हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है हेयर फॉल है वो नेचुरल है। उन लोगों को सोचने की ये ज्यादा जरूरत है जो लोग टकले हो रहे हैं, जिनके बाल बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, उनका जो मतलब
उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो डेफिनेटली सोच सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने हेयर फॉल का। लेकिन जो लोग जिन लोगों के जो बाल हैं बहुत ज़्यादा घने हैं और उनको फिर भी 50 से 60 बाल उनके डेली झड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका हेयर फॉल नहीं हो रहा, ये चीज़ बिल्कुल ही नेचुरल है। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ही नेचुरल है। आपके बाल झड़ेंगे, फिर नए आएंगे, फिर झड़ेंगे, फिर नए आएंगे, ये सारी जिंदगी आपके साथ चलने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो हेयर साइकिल किस हिसाब से काम करता है। बस यही था, इतना ही था इस वीडियो में, और आई होप आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि हमारा जो हेयर साइकिल वो किस हिसाब से काम करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक किए बिना ना जाएं, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और सब्सक्राइब में भी आप ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फटाफट मिल जाए वो वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।